जनपद आगरा के मलपुरा निवासी अनिल कुमार ने बताया कि 23 अक्टूबर को उन्होंने मलपुरा स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके से रॉयल स्टैग कंपनी की शराब की बोतल खरीदी थी, जिसके लिए 180 रुपए का भुगतान पेटीएम से किया गया था। शराब की बोतल लेकर वो घर पर चले गए। घर पर उन्होंने जब बोतल को गौर से देखा तो उसमें कीड़ा दिखाई दिया। वे बोतल लेकर वापस ठेके पर पहुंचे और कीड़ा निकलने की शिकायत सेल्समैन से की, तो उसने शराब की बोतल उसकी होने से मना कर दिया और वो शराब की बोतल वापस लेकर घर आ गए। बाद में उन्होंने मलपुरा थाने में कंपनी की लापरवाही को लेकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उनकी तहरीर पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस मामले में फूड इंस्पेक्टर राकेश कुमार को फोन पर शिकायत भी की गई, मगर उनकी ओर से भी कोई सुनवाई नहीं की गई। रॉयल स्टैग कंपनी के मैनेजर को भी लापरवाही को लेकर अवगत कराया गया। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर ने कार्यवाही के बजाय बोतल बदलवाने की ही बात कह दी। अनिल कुमार का कहना है कि कंपनी की लापरवाही के चलते उनकी जान भी जा सकती थी। सोमवार को इस मामले में कंपनी के खिलाफ कार्यवाही को लेकर जिला मुख्यालय ज्ञापन देने पहुंचे और उनकी मांग है कि उन्हें इसका मुआवजा दिया जाए और आगे से ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो जिससे किसी की जान पर बनाए। ये मैंने मलपुरा ठेके से ली थी 23 तारीख को, नौमी वाले दिन ली थी 23 तारीख को। मैं इसको लेके घर पर पहुँचा था तो उसमें मैंने इलाके देखा तो उसमें कीड़ा था, तो मैंने इसको ही देखते ही अचंभा हो गया। फिर मैंने इसको देखते ही जैसा था वैसे रख दिया, मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं की। मैंने फिर जाके जो मलपुरा के ठेके वाले हैं सेल्समैन है उनसे बोला था जाके एक आधा घंटे पीछे, तो ये बोले भैया ये मेरे यहाँ का क्वार्टर नहीं है। तो मैंने कहा आपके यहाँ का नहीं है तो आप चले आइए, मैं ऊपर से अब जो होगा मैं देख लूँगा। हाँ, मैंने थाने में भी एप्लीकेशन दे रखी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा जिला मुख्यालय पर पहुंचने का कारण यह रहा कि मेरे से अनिल कुमार जी ने संपर्क किया। इन्होंने मलपुरा की दुकान से, अंग्रेजी शराब की दुकान से एक क्वार्टर खरीदा रॉयल स्टैग कंपनी का, जिसके अंदर एक कॉकरोच निकला। और जब इन्होंने इसकी शिकायत वहाँ के मालिक से, सेल्समैन से की ही, तो उल्टा इनको ये बात पर झाड़ दिया गया कि आप इसकी जगह दूसरा क्वार्टर ले लीजिए। जब इन्होंने फिर मुझसे संपर्क किया तो संपर्क करने के बाद सबसे पहले मैंने फूड इंस्पेक्टर से मैंने बात की। फूड इंस्पेक्टर का ये कहना था कि ये हमारे मामला नहीं है, ये मामला आबकारी विभाग का है। मैंने आबकारी विभाग के डीओ से बात की, इंस्पेक्टर से मैंने बात की, लेकिन किसी ने भी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मुझे लोकतंत्र में मुझे कहने का अधिकार है, इसलिए मैं अपनी बात को रख रहा हूँ डीएम साहब के सामने। मैं डीएम साहब के सामने आया हूँ और उनको ज्ञापन दूंगा और अपनी ये मांग रखूंगा कि जिस तरीके से शराब में जो है कॉकरोच निकल रहा है, अगर ये व्यक्ति इस शराब को सेवन कर लेता तो ये बिल्कुल मर जाता, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दुकान है मलपुरा वाली वो सीज होनी चाहिए और डिसलरी यहाँ से ये शराब आई है उसको उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये चीज़ सही पाई जाती है, सही तो आपके सामने दिख रही है उसके अंदर कॉकरोच है, तो उस डिसलरी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए तरुण गौतम की रिपोर्ट।